नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। जनपद बुलंदशहर से इस वक्त की खबर। दबंग युवक ने किया महिला से घर में घुसकर बलात्कार का प्रयास। महिला के विरोध करने पर दबंग युवक ने महिला के साथ की मारपीट, जान से मारने की धमकी देकर हुआ फरार। बलात्कार पर दबंग युवक ने महिला के गुप्तांग पर किया वार। महिला के आई गंभीर चोटें। पीड़ित महिला ने चिट्टा चौकी इंचार्ज पर तहरीर देने के बावजूद भी कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। गाँव का ही रहने वाला है दबंग युवक। चौकी पर न्याय न मिलने के बाद महिला पहुंची सलेमपुर थाने। थाना प्रभारी से लगाई न्याय की गुहार। सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव चिट्टा का है पूरा मामला। समाचार रेटू जेट के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या घटना घटित हुई आपके साथ? ऐसा घटना हुई मेरे साथ में, दोपहर पीछे सद्दा में घर में घुसा तो मेरे पीछे से गोली भर के नहीं, मुझे अंदर खींच रहा। अच्छा, अंदर खेत के बाद मेरे की लिख लिए कि तो मुझे छोड़कर भाग गया। उसके बाद में अपने भैया को लेकर आया अज्जू को, बोले ना कि जो तेने किसी से कह दी कि तुझे जान से मार देंगे। मारपीट करी है मेरे साथ में। मेरे साथ में मारपीट करी है बहुत ज्यादा। तो मारपीट से कहीं चोट आई आपके? चोट आई मेरे पेट पर, टाकिन में। अच्छा, मेरा खून चालू हो गया। अच्छा, उसके बाद में चौकी में गई ही। अच्छा, आप यहाँ चिट्टा पुलिस चौकी गई? चौकी में, हाँ, क्योंकि मुझे जान का भी तो खतरा है। अच्छा, फिर तो वहाँ मेरी कोई कारगरी न हुई है। अच्छा, हाँ, वहाँ से अब मैं यहाँ अपनी मजबूरी सुनाने के लिए आई हूँ, तो मेरी सुनाई हो गई। अच्छा, मतलब आप इंसाफ चाहती हैं? हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए पुलिस से। ठीक।